मनुष्य जन्म कितना जबरदस्त है ये अपने आप में बेमिसाल है। ऐसा दिमाग पाया है मनुष्य ने कि यह शेर चीता हाथियों को अपनी उंगलियों पर नचा लेता है। कोई भी जीव जंतु इसके सामने कुछ भी नहीं। वैसे आदमी को चालाक लोमड़ी कहते हैं। कोई आदमी ज्यादा शातिर हो सो कहने का मतलब आदमी बहुत ज्यादा तेज है, इसका दिमाग, इसकी सोचने की शक्ति, इसकी शरीर की शक्ति बड़ों बड़ों को आश्चर्य में डाल देती। अब जब हाथी को एक आदमी उसके सिर पे बैठ के नचाता है, सूंड जितना तो खुद नहीं, तो बाकी जानवर सोचते हैं यार ये बड़ी बला है, अकेला ही काबू किए हुए। आदमी को लगता है कोई खास बात नहीं, हाथी को नचा लिया, लेकिन बाकी जीव जंतु जानवर सारे देखते हैं जब शेरों को नचाता है अपनी उंगलियों पे, नाच ऐसे कर वैसा कर, तो भी बाकी जीव जंतु तो पहले ही मेंगने कर देते हैं कि इतना बड़ा राजा का ये हाल है, हमारा तो क्या, ये पता नहीं दो टांग वाला क्या बला है। सो मालिक ने तो बड़ा जबरदस्त बनाया है, पर इन कामों के लिए नहीं। मालिक ने बनाया था कि इस मृत लोक में जीते जी उस मालिक के दर्शन कर सके और आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सके, जिसे कोई भी और नहीं देख सकता। हमने सारे धर्मों को पढ़ा है सदगुरु की कृपा से, हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत जिसको पांचवा वेद कहते हैं, रूहानी संतों की वाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान मजीद कुरान शरीफ, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, रविदास, धन्ना भगत, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जो कोई पवित्र ग्रंथ देता है उसे बड़े सत्कार से लेते पढ़ते हैं। तो सभी धर्मों में ये लिखा है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, सरदार है, खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक। कुछ हद तक मालिक ने इसे मर्जी का मालिक बनाया है कि यह अच्छे कर्म करे और अच्छे कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म परमपिता परमात्मा की भक्ति करे तो उसके दर्शन कर सकता है, आवागमन से मोक्ष मुक्ति अपने आप को दिला सकती है जीवात्मा मनुष्य शरीर में।